Hello guys, I am Heather Ali Khan from a channel Legend Vlogs, and I am here again, and I will be discussing about business services. ये इसको बहुत ज़्यादा जो है वो hard किया जाता है, इसको difficult करके बताया जाता है, but today I will be sharing you some knowledge about it in Urdu, Hindi, so you can understand it better in your native language. So yeah, let me get started. बिज़नेस सर्विसेज एक वो सर्विसेज हैं जो बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं, एक वो वर्क है जो बिज़नेस को सपोर्ट करता है. ठीक है, एक फर्म है, एक बिज़नेस है, एक जो है वो इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर आईटी का होना ज़रूरी है, लाजमी है. तो एक पूरी जो फैक्ट्री होगी उसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा, या इंडस्ट्री होगी, या एक स्टॉक ट्रेडिंग बिज़नेस होगा, स्टॉक ब्रोकरेज हाउस होगा, तो उसके अंदर उसके पीछे जो जितने भी वर्क हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनटेंजिबल कमोडिटी कहलाते हैं, उसको आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल कमोडिटी कहलाते हैं, तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उस बिज़नेस के ऊपर जो पीछे काम चल रहे हैं, आईटी का काम हो गया, डिफरेंट काम हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, तो इस तरीके से जो ये कमोडिटी है, जो ये इनटेंजिबल कमोडिटी है, जो ये फैक्टर है, इसको कहते हैं बिजनेस सर्विसेज. सर्विस देना बिजनेस को, वर्क देना बिजनेस को, सपोर्ट करना, इन चीज़ों के बगैर बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है. प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं होगा, प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज अगर आप जो अपना काम सही से नहीं करेगा, या आप उनको हायर नहीं करेंगे, आईटी वालों को और दूसरे लोगों को जो बिज़नेस को सपोर्ट करे, जो वर्क करे, जो एक इंटेंजिबल काम करे. एक एग्जांपल मैंने ये दे दी कि स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है, या कोई इंडस्ट्री है, या फैक्ट्री है. एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ताकि इसको और अच्छे तरीके से आप इस टर्म को समझ जाएं, बिज़नेस सर्विसेज, जो कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को कंफ्यूज कर रहा होता है. थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देखने से बेहतर है आप ये वाली वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर, उर्दू और हिंदी. एक और मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा, एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, नॉट गवर्नमेंट, इट्स अ प्राइवेट स्कूल. उसके अंदर टीचर्स को हायर किया भाई प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल ने अपना जो है वो प्राइवेट स्कूल बनाया हुआ है, और सारे काम जो हैं वो अकेला बंदा जो है संभाल रहा है, सारे जो चीज़ें देख रहा है वो अकेला बंदा देख रहा है, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को हायर किया हुआ है. जो लोगों को हायर किया उसका बिज़नेस है, ये उसका बिज़नेस है, वो वहाँ से मनी जनरेट करता है. तो उसने जो लोगों को हायर किया हुआ है वो वर्क कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उसके बिज़नेस को. अगर टीचर उसने हायर किया हुआ है, वो टीचर जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये भी जो है बिज़नेस सर्विस हो गया उसके लिए, उस बंदे के लिए जो अपनी जो है एक स्कूल चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है. प्राइवेट स्कूल तो एक बिजनेस ही रह गए हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट. ओके, तो प्राइवेट जो जितने भी स्कूल हैं वो एक बिजनेस ही रह गए हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, अपने रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए जो है बनाते हैं. उनका कोई इतना जो है वो खास जो है वो उनका फोकस नहीं होता कि बच्चों की पढ़ाई को अच्छा करना है या कुछ. तो ये एक लेट मी कम टू द पॉइंट. तो ये जो एक टर्म है बिजनेस सर्विस, तो ये जो जितने टीचर्स हायर किए हुए हैं, स्टाफ हायर किया हुआ है, प्यून हायर किया हुआ है, सफाई करने वाले हायर किए हुए हैं, और बहुत से लोग हायर किए हुए हैं, उस बंदे ने प्राइवेट जो स्कूल चला रहा है, उसके हेड ने, उसके ओनर ने, नॉट प्रिंसिपल, इट्स ओनर. तो प्रिंसिपल को भी उसने हायर किया हुआ है, और टीचर्स को भी उसने हायर किया हुआ है, वर्क कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 60 हर जो है वो क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, उनकी जो है फीस है वो उसको कैलकुलेट करना, उसको ऑडिट करना, तो उसके लिए भी वर्क जो है वो कोई और कर रहा है. तो यहाँ पर ओनर जो है वो एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहा है, बाकी जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यून, वर्कर्स, टीचर्स, ये सारे जो हैं ये एक बिज़नेस सर्विस कर रहे हैं उस बंदे के लिए जो उस स्कूल का ओनर है. सो डेट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो ऑफ लेजेंड ब्लॉग. दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इट टू मोर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट डिफरेंट स्टफ्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स. सो या, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, डू लेट मी नो.
और किसी और टॉपिक पे अगर आप पूछना चाह रहे हैं कोई सवाल तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी की नॉलेज को बढ़ाना है, किसी की कंफ्यूजन को दूर करना है, अपने फ्रेंड की, अपने फैमिली मेंबर की, तो ये वीडियो उसको ज़रूर दें, बिज़नेस सर्विसेज के बारे में उसकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो ऑफ माइन, टिल देन इज गुड बाय एंड हैव अ गुड डे, डू नॉट Forget to give me the feedback. Thank you so very much.